ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए भाजपा, सपा व बसपा अपना दमखम दिखा रही है। वहीं महाराजगंज जनपद के फरेंदा विधानसभा में सपा और भाजपा के कार्यकर्ता गांव में जनसंपर्क कर रहे थे, इसी दौरान दोनों आमने सामने हो गए। वहीं सी न्यूज भारत के साथ बातचीत में सपा और भाजपा के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया, देखिए। चुनावी फाइट है, माहौल टाइट है। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जनपद के फरेंदा विधानसभा में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पे सपा के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो कि एक गांव में जनसंपर्क कर रहे थे। 1 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, ऐसे में लेकर के कार्यकर्ता पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले जो 400 का नारा बीजेपी दे रही है, मैं भाजपा के कार्यकर्ता से बात करूंगा कि जो 400 का नारा है आपका, कितना सक्सेस होगा इस बार? देखिए, जनता ने पूरा विचार बना लिया है। जो भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को देख करके पूरी जनता ने मूड बना लिया है कि फिर से जो है पूरे भारत में 400 पार का जो नारा दी है उसको पूरा करेगी जी। 400 पार अभी ये कह रहे हैं कि 400 पार हमारा कंप्लीट होगा। मैं चौबे हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा सवाल है, 400 पार का नारा दे दिए हैं, 2019 में पुलवामा में 400 किलो RDX कहाँ से आया था, मैं पूछना चाहता हूँ, ये बता दें। जवाब देंगे आप? देखिए, RDX जहाँ से भी आया हो, लेकिन मतलब इससे नहीं है। लेकिन मैं पूरी बात सुन लीजिए, जब जवाब सुनिए तो पूरी बात सुनिए। जब 2014 के पहले जब कांग्रेस की मूक दर्शक सरकार थी, तो उस समय जो है भारत के सरहदों पर जो भी हमारे देश के वीर जवान रहा करते थे, उनके सर को काट करके पाकिस्तान में फुटबॉल की तरह खेलने का काम करते थे। लेकिन ये कांग्रेस के मूक दर्शक सरकार ये शांत होकर के बैठा करती थी, केवल कागजों में दिखावा करती थी। लेकिन पुलवामा में जो घटना हमारे देश के जवानों के साथ हुआ, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुस करके मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर करके बदला लेकर के उनको मारने का काम किया। हमारे देश के मोदी जी के मजबूत सरकार ने काम किया है। अगर हम महाराजगंज की बात करें, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, हालांकि इस पे राजनीति होता रहा। अगर हम महाराजगंज के विकास की बात करें, तो पिछले 10 साल में महाराजगंज में क्या विकास हुआ है? देखिए, महाराजगंज में पूरे महाराजगंज में हर जगह सड़कों का जाल पहली बार बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और फरेदा से लेकर के घुली तक रेलवे लाइन आप लोगों ने पेपर के माध्यम से देखा भी है, स्वीकृत भी हो चुका है। चुनाव के बाद जो है रेलवे लाइन बिछने का काम भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पूरे भारत में जो है हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ है। उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुआ जो KMC में मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलवा करके भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज देने का काम भारत सरकार ने दिया है। और उसके बाद यहाँ फरेंदा में जो कांग्रेस के कार्यकाल में स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह जी ने ये भी कह रहे हैं फरेंदा में चीनी मिल नहीं चालू होगा, हर्षवर्धन सिंह जी ने जो चीनी मिल को बंद कराने का काम किए हैं, ये चुनाव खत्म होने के बाद वहाँ जल्दी ही कपड़े का वहाँ फैक्ट्री लगने का काम होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में है। आप द्वारा ये आरोप लगाया गया, बड़ा आरोप, कि जब दूसरे की सरकार, विपक्ष की सरकार थी, तो पाकिस्तान में सैनिकों के सर से फुटबॉल खेला जाता है। सोचिए, ये छोटे भाई हमारे हैं, इनको अनुभव थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 2019 और 20 में गलवान घाटी में हमला हुआ था, और 26 सैनिकों का सिर काट के फुटबॉल खेले थे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी, गूगल पर सर मारो, अभी देखिए आ जा रहा है। ठीक, दूसरी बात, माननीय हर्षवर्धन सिंह ने, इनका आरोप है कि उन्होंने फैक्ट्री बंद करा, इन्होंने तो ये भी कहा कि महाराजगंज में विकास की गंगा बह गई है। आप 5 काम बता दो। मेडिकल कॉलेज किराए के हम पिता ले रहे हैं। ठीक, आप बताओ, फरंदा की पहचान शुगर फैक्ट्री थी। फरंदा में आज रात में उतर जाओ, मुख्यालय के लिए कोई बस नहीं है, नौजवान खेलने का कोई पार्क नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। सिर्फ विकास हुआ है तो पंकज चौधरी के खजाने का विकास हुआ है, विकास हुआ है तो बजरंग बहादुर सिंह के खजाने का विकास हुआ है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? अब आप इतने परिवार का बढ़ावा दे करके अपने परिवार को केवल बढ़ाने का काम किए हैं, पूरे परिवार को बढ़ाने का, उत्तर प्रदेश में यादव की बात करते हैं, इतने
इतने बेशर्म लोग हैं कर्नाटक में, जो वो देवगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रमन्ना, 32,000 लड़कियों से शोषण करके बलात्कार करके वीडियो बनाया है, और ये बीजेपी वालों से गठबंधन करके सरकार बना रहा है। 400 पार तो होना नहीं है, एक परिवर्तन का चुनाव है। आप ये बता दें, आप तो पहले गौमांस वालों से चंदा लेते हैं, दूसरा अग्निवीर लाए हैं, अरे आपका 73 साल का प्रधानमंत्री है, 4 साल भाई उसके लिए 5 साल क्यों चाहिए, जो हमारा 20 साल का उसको क्यों दे रहा है। क्या रहेगा इस बार मुद्दा, इस रहेगा मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा है, और कर्ज माफी मुद्दा है, और जो महिलाओं को 8,500 देने का मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा इस समय चुनावी मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और एससी के कितने लोगों को टिकट दी है, समाजवादी बड़ा आरोप, बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये कहते हैं पिछड़े और एससी को कितना सीट दी है। अरे हमारे हमारे जनपद का, हमारे जनपद का अगर जो प्रत्याशी है वो भी पिछड़े जात का ही है। दूसरी मैं बात बता दूं, पिछड़े और जात की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 5 लोगों को यादव को स्टिकर देने का काम किया, वो भी केवल अपने परिवार के लोगों को, अखिलेश यादव सिर्फ 5 लोगों को दिए, 5 को टिकट दिए। ये बात करते दलितों की, रुक जा भाई, ये बात करते दलितों की, मां लहरा की कसम खा ले, जब रहरावा में एक दलित बच्ची से बलात्कार हुआ था, उसका पेट पाड़ के निकाल दिया गया था, तो भाजपा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह और पंकज चौधरी कहाँ थे उस लड़ाई को, अमित चौबे लड़ा था उसी क्षेत्र के जिला पंचायत से, उसी क्षेत्र के जिला पंचायत से। अरे सुने, उस समय बजरंग बहादुर सिंह गए हुए थे। और दूसरी चीज मैं बता दूं, मोहन मुंडे में एक दलित परिवार के साथ इतना बड़ा अत्याचार मुसलमान एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, उस जगह योगी आदित्यनाथ ने जाकर के उनको इंसाफ दिलाने का काम किया था। ये बात करते हैं कि दलितों के, पहले इनका परिवार और वाले जवाब देंगे, हम इनका परिवार वाले पहले जवाब दे दें। आप ये बता दो कौन सा परिवारवाद है, जब आप रुक जाओ भाई, बाद में बताएंगे जब आपका जवाब देंगे, हम इनका परिवारवाद वाले पहले जवाब दे दें। आप ये बता दो कौन सा परिवारवाद है, जब आप रुक जाओ भाई, बाद में बताएंगे जब आपका जैसा परिवारवाद की बात करते हैं, जब उस जैसा को जिसको बॉल नहीं पकड़ने आता है, उस जैसा को जिसको बॉल नहीं पकड़ने आता, वो इस तरफ बॉल बात करेंगे पब्लिक से, यहाँ पे पब्लिक से क्या मुद्दा है इस बार। अरे आप ये बताइए, मैं एक छात्र होने के नाते ये कह सकता हूँ कि जो मतलब महाराजगंज जिले का लड़का है जो यहाँ से इंटर पास कर लिया, यहाँ पे आपके यहाँ ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई बढ़िया कॉलेज है, उसको गोरखपुर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, और सिद्धार्थ नगर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने। इंटर पास करके लड़का अगर बीए कर, परमेश्वर सिंह में बस बीए कर सकता हो, अभी माननीय विधायक जी का स्कूल है और फीस इतना ज्यादा है। मुद्दे बताइए, माननीय सांसद जी के पास राहत रूह का कंपनी है, माननीय सांसद जी ये बता दिए महाराजगंज जिले के कितने युवा को आपने नौकरी दे दिया, क्यों महाराजगंज का लड़का नहीं है आपके पास। मुद्दा ये है, अभी देख लीजिए फरंदा में बस स्टैंड नहीं है, अगर फरंदा में हम लोग ट्रेन से उतरते हैं 7 बजे तो महाराजगंज जाने के लिए बस नहीं मिलेगा। एक बड़ा आरोप कि शिक्षा महाराजगंज में, एक मिनट महाराजगंज में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, छात्र जो बड़ा आरोप है इसमें क्या। पहली बात मैं नौकरी की बात बता दूं, मेरे ही क्षेत्र में कई भाई लोग अभी पुलिस में उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट में हुए हैं, उनका उनका नाम सुने, सुने उनकी बात सुन ले, विनय सहानी जो फुलमरहा का है अभी पुलिस में हुआ है, आपके श्रीरामपुर चौराहे पे सम्मुख विश्वकर्मा का लड़का वो भी पुलिस में हुआ है, और क्या बात सुने, जगन्नाथपुर में जितेंद्र चौहान उनको भी पुलिस में हुआ है, तो देखिए आप जनता से सवाल ले, और सुने
आपके नयनसर में भवानी गुलामपुर में अखिलेश प्रजापति को अभी लेखपाल में हुआ है, अभी आप लोगों ने देखा फुलवरिया में फरिंदा के फुलवरिया में सीओ के पद पर एक युवक ने कहा कि राहत रूह की उनकी कंपनी है, कोई युवा को रोजगार नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? अरे वो युवक नहीं है, वो नेता है सपा के। हाँ, जो सपा का नेता रहेगा, जवाब क्या देंगे आप? जो रोजगार की उन्होंने बात की, उनके फैक्ट्री में युवाओं को कितना नौकरी मिला, क्या उनको प्रमाण पत्र देंगे? उनको प्रमाण पत्र देंगे? अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश के राज में और कांग्रेस के गवर्नमेंट में इस क्षेत्र का 10 नाम गिनती गिना दे, 10 गिनती केवल गिना दे, केवल कितने लोगों को गिनती? इनका 10 गिनती इन्होंने कहा है कि कांग्रेस और सपा के गवर्नमेंट में 10 जो विकास कार्य हुए हैं। सबसे पहले फरंदा में सबसे बड़ी समस्या थी, फरंदा में फरंदा में कोई कन्या इंटर कॉलेज नहीं था, जो था वो जर्जर था। हमारी सरकार आई थी तो आप जाके देखिएगा, फरंदा में कन्या इंटर कॉलेज का जोरदार कौन कराया, 7.5 करोड़ रुपया पास हुआ हमारी सरकार में। जंगल चौकिया बारी जहाँ 60 में बताइए, आप 132 केवीए का नौतनवा बैठा हुआ लगा, हड़ी लगा, जानकारी आपको भी होगी, 132 का फरंदा में लगा, 3 काम हो गया, करखी लगा, 4 आप जहाँ खड़े हैं ये लोहिया हुआ था, जहाँ खड़े मुख्यालय से फोलेन से जोड़ा गया था। सुनिए, यहाँ महिलाएं हैं, गांव-गांव अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस महिलाओं को जिंदगी बचाती है, और योगी मोदी का सर किसानों को जान लेने का काम करते हैं, ये क्या बेसन लोग बात करेंगे महाराज? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ये है भैया, यहाँ हम लोग विकास का इंतजार करते करते 30 साल से थक गए हैं, मन आजीज हो गया है। 30 साल अब की बार, ये नेता नहीं है, अब की बार तड़ी पार, 30 साल से तड़ी पार, ये किसान है, अब की बार तड़ी पार। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है, इनका जो है अपना अपना व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विचार है, अपना व्यक्तिगत विचार है। देखिए महाराज की जनता, महाराज की जनता जो है ये ठान ली है, खुद पीड़ित है, पूरे विकास के नाम पर, विकास के नाम पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर, और जो 500 वर्षों तक क्या हुआ महाराज, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, क्योंकि अब कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। तो महाराज की जनता इस बार कमल बदला। एक मिनट सुनिए, ये लोग बस रोड पे बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा विकास कर दिए। अच्छा भाई, उन्होंने तो अभी आपके सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा कई लोगों को नौकरी क्षेत्र, अरे भाई क्या क्या मिला, क्या तरिया नौकरी मिला, जो लड़का अरे शिक्षा पे बात करना, उनके प्यारे पे बात करना। माननीय सांसद जी स्कूल यहाँ खोले कि नहीं खोले हैं पूरे जिले में? अरे भैया सुन लीजिए, यूनिवर्सिटी एक भी यूनिवर्सिटी है आपका बच्चा पढ़ेगा इंटर तो पास कर लेगा, यहाँ से एमपी से पढ़ के और तमाम स्कूल है, इंटर तो पास कर लेगा, उसके बाद उसको गोरखपुर जाना पड़ेगा बीए करने। पब्लिक का सवाल हम ले, हम किस मुद्दे पे इस बार आप वोट डालेंगे यहाँ पे, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे बताएं? परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना। और मैं पब्लिक से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग परिवर्तन चाहती हैं या किस मुद्दे पे यहाँ वोट करेंगी? गाँवों में विकास भइल बा कि ना भइल बा? कुछ नहीं विकास भइल बा, तो परिवर्तन चाहती हैं। मुद्दा क्या, आप लोग क्या होना चाहिए आपके इधर क्षेत्र में, गांव में क्या होना चाहिए? हम लोग सही से रहने चाहता हूं। हाँ, बस अभी कोई दिक्कत है क्या? यार दिक्कत कहे नहीं है, जब कुछ नहीं हुआ तो क्या बताएं हम लोग। अच्छा, कोई विकास कार्य गाँव में नहीं हुआ? प्रधान जी बारे प्रधानों जी कुछ विकास नहीं कहे? चलिए बड़ा सवाल, लोगों में भी आक्रोश है, कह रहे हैं कि प्रधानों द्वारा जो है कोई काम नहीं किया गया है, हालांकि इनका मुद्दा महिलाएं यहाँ पे जो थी। और मैं लास्ट किस मुद्दे पे बता, मुद्दा बहुत बड़ा, आप रुक जाइए महंगाई बेरोजगारी छोड़ दीजिए, मैं उस लोकल मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। ये सांसद जी से खुद पीड़ित है, बजरंग बहादुर से खुद पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी लोग इनको नकार चुके हैं, ये खुद पीड़ित है, बजरंग बहादुर से खुद पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी लोग इनको नकार चुके हैं, ये खुद एक
बात ये जानते हैं, ये सभी लोग पहले भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन जानते हैं इनके गलत कार्यों के वजह से एक बार थाने में बैठाए गए थे, क्योंकि इन्होंने गलत किया था। अब गलत का साथ कभी भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं करते, यही कारण है ये आज वार प्लाटवार में लगातार आप देखते हैं कि दो नेता भैया देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये मेरे बड़े भाई हैं, और देखिए ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। ये कहते अखिलेश जी ने क्या किया, अखिलेश जी की जब सरकार थी गांव में 3.5 लाख का मकान मिलता था, 3.5 लाख का मकान मिलता था इनको सरकार महेंद्र यादव के हाल में, आपके फरिंदा साथ में समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में महेंद्र यादव के भाई दो यादव को दिन धारे गोली मारकर क्या करता किसान जवाब हम पब्लिक का जवाब और यहाँ नेताओं का जवाब, पक्ष विपक्ष सपा और भाजपा के यहाँ लोग थे जो अपनी विचारधारा रखी, हालांकि पब्लिक से भी सवाल जाहिर है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर सभी दल जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव के आखिरी चरण के साथ प्रत्याशियों और पार्टी का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को पता चलेगा कि कौन सत्ता पर काबिज होगा, किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।